हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुदीने की रायते की रेसिपी। पुदीना इस तरह से आपने चटनी में और अलग अलग तरीके की चीज़ों में खाया होगा, लेकिन इसका रायता किस तरह से बनता है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और देखिए, दिखने में तो बड़ा टेस्टी दिखता है। सो आइए जानते हैं इसमें हम सामग्री क्या क्या डालते हैं। तो हर रायते की तरह दही हम इसमें यूज़ करेंगे 500 ग्राम या फिर 2 कटोरी बोल सकते हैं। उसके बाद में हम लोग पुदीने की सूखी पत्तियां चाहिए होगी हमें पिसी हुई 1 चम्मच। काला नमक हमें चाहिए होगा स्वादानुसार, और बोल सकते हैं कि आधा चम्मच या 1 चम्मच कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में सफ़ेद नमक हमें चाहिए होगा स्वादानुसार। हींग भी हम लेंगे 1 चुटकी या फिर स्वादानुसार बोल सकते हैं, 1 चुटकी काफ़ी होती है हींग। उसके बाद में जीरा हमें चाहिए होगा 1 छोटी चम्मच, और हमें चाहिए होगा लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। लाल मिर्च वैसे तीखा करने के लिए नहीं होती, जस्ट टेस्ट के लिए होती है। अब दही को अच्छे से फेंटने के बाद में तवा गरम करके उसमें हींग और जीरे को भून लें अच्छे से। भुना हुआ जीरा, हींग और हींग पीस कर काले नमक और सफ़ेद नमक के साथ में लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं, और पुदीना भी बाद में उसमें पिसा हुआ पुदीना मिला लें। अब फ्रिज में हम इसे रखेंगे ठंडा करने के लिए, और अच्छे से ठंडा होने के बाद में हम इसे सर्व कर सकते हैं, जैसे हम चाहें खाने के साथ में या फिर कैसे भी। सो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट, लाइक ये काफ़ी टेस्टी लगता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।